राजस्थान में आज नहीं होगा भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार। कहीं रुकावट की वजह वसुंधरा राजे तो नहीं? क्या गुटबाजी के चलते अगले सप्ताह तक खिंच सकता है राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार? दरअसल आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि मैडम अपने मंत्री बनाए जाने के लिए अड़ी हुई हैं। मैडम अपने 6 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर अड़ी हुई हैं, जिसको लेकर बात नहीं बन पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की नई भजनलाल सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अगले सप्ताह तक का इंतजार करना होगा। वहीं आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दो उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने अपने पद की शपथ ले ली है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। कई तारीखों के बीच आज की तारीख को लोग लगभग तय मान रहे थे कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्या पार्टी के भीतर कोई दिक्कत है? क्या इस विस्तार की रुकावटों में वसुंधरा राजे का हाथ है? ऐसे ही कई सवाल सामने आ रहे हैं। इस बीच आइए जानते हैं कि पार्टी की तरफ से क्या कुछ बताया गया है। पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा की बीसी में शामिल होंगे। सभी विधायकों को भी अपने क्षेत्र में रहकर बीसी से जुड़ने को कहा गया है। बीसी के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल टोक के मालपुरा जाएंगे और विकसित भारत यात्रा का अवलोकन कर लाभार्थी से वार्तालाप करेंगे और शाम 4 बजे जयपुर पहुंचेंगे। इस शेड्यूल के बीच यह तो तय है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाएगा। इन तमाम जानकारी और कार्यक्रमों के बीच यह सवाल सभी पूछ रहे हैं कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को राजस्थान कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 29 दिसंबर को संभावित तिथि बताने वाले सूत्रों का यह भी कहना है कि कुल 18 से 19 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कुछ मीडिया एजेंसी की माने तो राजभवन की वीडियो सामने आई है, जहां तैयारी पूरी कर ली गई है। अब ऐसे में क्या किसी दिग्गज नेता अपने मंत्रियों की संख्या को लेकर अड़े हुए हैं, या फिर मामला कुछ और है? ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन संभव है कि 29 दिसंबर को सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।